हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज मैं आपके लिए दो डीआई लेके हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआई के साथ। तो फर्स्ट डीआई में कुछ इस तरह से आपको डेटा गिवन है, एक आपके पास बार ग्राफ है और एक आपके पास टेबल है। तो बार ग्राफ में यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, यानी कंप्लीट वीक के डेज दे रखे हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ पीपल्स है मूवी देखने जाते हैं वो दे रखे हैं आपको। जैसे संडे है, संडे में 550 पर्सन है वो टोटल मेल प्लस फीमेल मिला के मूवी देखने जाते हैं। और उसमें से यहाँ पे जो टेबल दे रखा है उसमें मेल यहाँ पे आपको डिनोट कर रखे हैं, जैसे मेल है 368। देखिए टोटल आपके 550 पीपल जाते हैं जिसमें से मेल 368 है, बचे भी क्या हो जाएंगे आपके, फीमेल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ डेटा गिवन है। आई होप आपको डेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल वेंट फॉर ए मूवी इन ट्यूजडे एंड फ्राइडे टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स वेंट फॉर ए मूवी इन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। यानी कि आपकी ट्यूसडे और फ्राइडे को जो फीमेल्स मूवी देखने जाती हैं वो हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होंगी मेल्स के जो मंडे और वेडनेसडे को जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फीमेल्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल देख लीजिए ट्यूजडे पे कितने हैं। तो ट्यूजडे में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 450 यहाँ पे पीपल है। देखिए ट्यूजडे को अगर 450 टोटल है और यहाँ पे जो मेल्स दे रखे हैं वो 275 है, यानी कि मैं 275 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी फीमेल्स आ जाएंगी। तो कितने आएगी, 175। तो ट्यूसडे को मुझे पता लगे 175 फीमेल से जो मूवी देखने जाती है। इसके अलावा फ्राइडे को है तो फ्राइडे को टोटल 400 आपके पर्सन्स हैं और उसमें से फ्राइडे में आप फीमेल मेल कितने, 250 है, बची भी क्या हो जाएगी फीमेल, यानी 250 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो कितने बच जाएंगे, 150, यानी 150 आपकी यहाँ पे फ्राइडे को देखने जाती है। तो ये दोनों का सम करो, 150 प्लस 175 यानी बन गया आपके 325। तो यानी टोटल कितनी फीमेल है, 325 फीमेल है जो ट्यूजडे और फ्राइडे को मूवी देखने जाती है। और इनकी अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बतानी थी हमें मेल्स की जो मंडे और वेडनेसडे को जाते हैं। तो मंडे को मेल कितने जाते हैं, 126 और वेडनेसडे को 108। तो 26 + 8 कितने होते हैं आपके, 34 और 100 यानी 234। तो 234 आपके मेल हैं जो मंडे और वेडनेसडे को मूवी देखने जाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सोल्व करना आपको, अब सोल्व करने का भी एक तरीका है। अब आपको ये तो कंफर्म है कि 200% से अबव है क्योंकि 234 है, ये 325 है, ठीक है, यानी 100% तो है हमारा कंफर्म कि 100% से अबव होगा, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये 234 है, अप्रोक्सीमेटली कितना कम है, 325 है, अप्रोक्सीमेटली 100% 100 कम कह सकते हो, 100 कम है क्योंकि देखिए 234 334 यानी 100 से कम है, यानी 100 के आसपास है। तो यहाँ पे 234 का 100 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 50% से कम, 45 40 के रेंज में, ठीक है, क्योंकि 100% से वैसे कम था यानी कि 40% ये होगा। तो टोटल 140% के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए 140% है, 150 के आसपास और कोई भी नहीं है, 150 से कंफर्म है कि कम होगा, 140% ही है उसके जो नियर बाई वैल्यू है। तो इस तरह से आप कम कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिवाइड करने बैठ जाओगे ना एक मिनट लग जाएगी और आपका क्वेश्चन फिर भी कंफर्म नहीं है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के ऑप्शंस की हेल्प लेके क्वेश्चन को आप कम टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल वेंट फॉर मूवी इन संडे एंड सैटरडे टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वेंट फॉर मूवी इन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। यानी कि जो मेल है मूवी देखने जाते हैं संडे और सैटरडे को, वो कितने, उनका रेशियो हमें कंपेयर करना फीमेल के साथ वेडनेसडे और थर्सडे को जो जाती है। तो सबसे पहले मेल काउंट करते हैं संडे और सैटरडे को। तो संडे को 368 जाते हैं, सैटरडे को कितने जाते हैं, 172। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 368 और 72 पहले इनको ऐड कीजिए तो कितने बन जाएंगे, 440 यानी 540 यहाँ पे आपके टोटल मेल्स आ जाएंगे। तो 540 आपके यहाँ पे कितने आ गए, मेल आ गए जो संडे और सैटरडे को मूवी देखने जाते हैं, क्लियर है। अब फीमेल्स की बारी है, फीमेल कौन कौन सी है, वेडनेसडे और थर्सडे को। तो वेडनेसडे को आप देख रहे हो टोटल कितने पीपल है, 200 है, और वेडनेसडे को मेल कितने हैं, 108 है। तो 200 में से 108 गए यानी कितने बचे, 92। तो यानी वेडनेसडे को 92 फीमेल्स है जो मूवी देखने जाती है, क्लियर है। अब किसके बारे में पूछा था, थर्सडे, थर्सडे को टोटल पीपल कितने हैं, 300 हैं, और 300 में से यहाँ पे देख रहे हो मेल कितने, 191 यानी 191 इसमें से माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे कितने बच गए आपके, 191 इसमें से माइनस करोगे यानी 109। तो 109 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखनी चाहती है, और 109 प्लस 192 को ऐड कर दीजिए कितना बनेगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, यानी बन गया आपके 201। तो 201 यहाँ पे आपका टोटल सम आ जाएगा जो फीमेल्स है मूवी देखने जाती है वेडनेसडे और थर्सडे को, ठीक है, क्योंकि 109 और 92 को ऐड करोगे तो 201 बनते हैं, क्लियर है।
अब इसका रेशियो देखिए, कट रहे हैं क्या, 3 से कट रहे हैं। देखिए पता कैसे लगा, इन दोनों का सम देखिए, 5 + 4 9, 2 + 1 3, यानी जिनका सम 3 के डिविजिबल से आए वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 24, यानी 180 आ जाएगा। 3 × 1 = रुकिए, यहाँ से जाएगा 3 × 6 = 18 से, ठीक है, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 21, यानी 67। तो 180 ratio 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन है, खुद करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जितनी ज्यादा उसकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए, हर वीडियो में कहता हूँ यही बात, क्योंकि एक फैक्ट है, प्रीलिम्स सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये 34% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट फॉर ए मूवी इन संडे अबाउट एन एसी टिकट, देन फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल बाई एसी टिकट इन संडे टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वेंट फॉर मूवी इन मंडे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि संडे को जितने भी टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो मूवी देखने जाते हैं, उसके 34% है एसी टिकट्स लेते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंस बताना है जो पर्सन एसी टिकट लेते हैं संडे को और जो फीमेल मूवी देखने जाती है मंडे को। तो देखिए एसी टिकट कितने लेते हैं वो कंफर्म कर लेते हैं। तो संडे को टोटल कितने पीपल मूवी देखने जाते हैं, 550। यहाँ पे देखिए बारग्राफ में, तो 550 जाते हैं, यानी 550 का आपको क्या करना, 34% निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके 34% आपके क्या लेते हैं, एसी टिकट लेते हैं। तो निकाल लीजिए, 20 से 20, 5 से काटोगे, 5 × 2 = 10, ये 11 × 5 = 55, 2 से काटोगे यानी 17। तो यहाँ पे कीजिए 17 × 1 = 17, 1 कैरी, 17 × 17 + 1 = 18, यानी 187। तो हमें पता लगा जो एसी टिकट खरीद रहे हैं वो कितना है, 187 है। अब वो आपको फीमेल्स भी तो काउंट करनी है जो मंडे को मूवी देखने जाती है, तो मंडे को टोटल पीपल कितने हैं, 250 है, और जिसमें से मेल कितने हैं, 126। तो 126 हो गए, तो 50 यहाँ से ये बच गए, और ये कितने बच गए यहाँ पे, इसको टोटल हो जाएगा आपका 124। तो 124 आपके टोटल फीमेल्स थी जो मंडे को आपको क्या करने जाती है, मूवी देखने जाती हैं। तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा था, तो 7 में से 4 गए 3, 8 में से 2 गए 6, यानी 63 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो ये सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी जो आपको यहाँ से इजिली आप फाइंड आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे द लोवेस्ट नंबर ऑफ द फीमेल वेंट फॉर ए मूवी। तो यानी कि हमें बताना है कि सबसे कम फीमेल्स कब गई थी, किस दिन गई थी जो मूवी देखने गए थे। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, जब टोटल नंबर ऑफ पीपल जिसके सबसे कम होना वो देख लूं, क्योंकि जितने पीपल्स कम है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कम होंगे, तो वहां पे मेल निकालने के बाद फीमेल्स बहुत कम बच जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले सबसे कम कौन से है? आपके वेडनेसडे को है, कितने है, 200 है, और जिसके अंदर मेल्स कितने गए थे, 108, यानी अगर 108 मेल गए तो पीछे कितने बचे, 92 फीमेल्स गई थी देखने, ठीक है। अब इसके अलावा कम किसका है, ये रहा आपका, यानी 250 है। तो 250 में से यहाँ पे मेल कितने गए थे मंडे को मूवी देखने, 126, यानी ये तो 100 प्लस हो गया, यानी 124 के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। तो ये तो इससे कम ही है ना, 92, तो वेडनेसडे आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो सबसे कम को उठा के देखो, सबसे पहले आपको पता लग जाएगा, तो वेडनेसडे यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, डेली की तरह पहली डीआई कंप्लीट हो चुकी है, 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और +1 आपके लिए होमवर्क रखा है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मूव करते हैं सेकंड डीआई की तरफ, जो कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है, उसमें अच्छी खासी आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक टेबल आपको दे रखी है जिसमें अलग अलग कंपनीज हैं, यहाँ पे ABCD करके, जो नंबर ऑफ मोबाइल से मैन्युफैक्चर्ड करते हैं नंबर ऑफ 6 different years। तो ये जो मोबाइल है लैक्स में, जैसे कि कंपनी ए है 2012 में कितने बनाते हैं, 35 लाख, ठीक है, वैल्यू जो है वो लैक्स में है, क्लियर है। तो इस तरह से कुछ आपको डेटा दे रखा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड डीआई का क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी इन ऑल द गिवन इयर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी बी इन द ऑल द इयर्स, ठीक है। देखिए आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि जिस सी ने सभी ईयर्स में मिला के जो फोन मैन्युफैक्चर किए थे वो अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है जो कंपनी बी ने मैन्युफैक्चर किए सभी ईयर्स में मिला के। तो यानी बी और सी के हमें टोटल नंबर ऑफ फोन्स पता करने पड़ेंगे सभी को ऐड करके। तो चलिए मैं ओरली यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए सी से स्टार्ट करते हैं, 22 + 29 यानी 22 + 29 कितना हो जाता है आपका 51, 51 + 18 कितना हो गया 69, 69 + 14 कितना हो गया आपका 83, 83 + 20 कितना हो गया आपका हो गया 103, और 103 + 27 आपके बन गए 130, यानी कंपनी सी है वो 130 लाख मोबाइल आपके मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, क्लियर है। अब बी की बारी है, बी का भी सम करते हैं। बी देखिए 27 + 26 दिखाई दे रहा है 53 हो जाएगा, 53 + 24 आपका हो गया 77, 77 + 34 कितना हो गया आपका
34 + 34 हो गया 111, और 111 में आपको फिर क्या करना, 23 ऐड कर दोगे तो बन गया आपके 134, और 134 में 17 ऐड करोगे तो 171, यानी 171 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सम यानी 171 लाख। अब हमें कहा था कि सी वाले कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो आप देख रहे हो कि सी क्या है, 171 से कम है यानी लेस है, तो यानी मोर वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है, मोर वाले तो सीधे काट दो क्योंकि लेस है तो डेफिनेटली कम हो गए। अब कितने कम है देखिए, 171 में 130 माइनस करोगे तो सीधा आपको दिखाई दे रहा है 41 होगा, 41/171 गुना 100 कर दीजिए। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर ऊपर 40 होता नीचे 170 होता तो यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, 1/4 के अराउंड है ना, 1/4 के अराउंड है, ठीक है, 24% लेस हो जाएगा, क्लियर है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा क्योंकि पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके कैलकुलेशन को आप कम कीजिए, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है आपको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज इन द ईयर 2012-13 टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑल द गिवन कंपनीज इन 2015 एंड 16 टुगेदर। यानी क्या कह रहा है कि 2012 और 13 में जितने टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन से सभी कंपनीज मिला के मैन्युफैक्चर किए उसका डिफरेंस हमें कंपेयर करना है 2015 और 16 में। तो यानी कि हमें फिर से सभी कंपनीज का डेटा यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2012 को काउंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोबाइल कितने आपके मैन्युफैक्चर्ड हुए। 2012 में 35 + 27 ये कितने होते हैं, 35 + 27 होते हैं 62, 62 + 22 यानी 84, 84 + 31 आपके बन गए 115। यानी हमें पता लगे 2012 में, यहाँ पे लिख देता हूँ 115 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। अब 2013 के भी करने आपको 19 + 26, 19 + 26 आपके हो गए 45, 45 + 29 आपके बन गए 74, 74 + 42 बन गए आपके 116, 116 यहाँ पे आपके 2013 में मैन्युफैक्चर्ड करता है। तो इन दोनों का सम करोगे 16 + 15 होते 31, यानी 231 आपके 2012 और 13 में यहाँ पे कंपनीज ए बी सी डी ने मिला के मैन्युफैक्चर किए, तो यानी 231 लाख हैं आपके। तो इनका डिफरेंस बताना था आपको 2015 और 16 वालों से। 15 वालों के काउंट करते हैं 44 + 34, इसको क्या करो, देखिए इसको 44 मान लो, इसको भी 44 88, 88 में से 10 माइनस कर दो यानी कितने बन गए 78। अब 78 में से 14 ऐड करोगे यानी 92, और 92 में से अब 24 ऐड किया यानी 116, ठीक है। तो 116 आपके यहाँ से आ गए, तो फिर से 116 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2015 में। अब 2016 का डेटा आपको काउंट करना है तो 31 + 23, 31 + 23 बन गया आपके 54, 54 + 20 74, 74 + 28 हो गए आपके 102, तो 102 यहाँ पे आपके आ चुके हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते थे 116 से 116 काट दो, 115 और 102 में कितना डिफरेंस है 13, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो इस तरह भी कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 116 + 102 बन गया आपके 218। अब इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, 218 इसमें से माइनस करोगे तो वही डिफरेंस आना 13 लाख का, ठीक है। तो वो दोनों केस सेम है क्योंकि जहां पे वैल्यू सेम है ना उनको काट दो, क्या जरूरी थोड़ी ऐड करना, पूरी कैलकुलेशन करनी कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, एडिशन है और कुछ नहीं है। जितनी स्पीड अच्छी है कैलकुलेशन की तो उतना जल्दी बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, 8th में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 13, 15, 16 and 17 together to the company D in the year 2012, 14, 16 and 17 together। तो रेशियो बताना है कंपनी ए और डी के नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन है उस हिसाब से। तो मैं सबसे पहले ए का डेटा सोल्व करता हूँ। ए में पहले कितने का है, 13 का ऐड करना है यानी 19, फिर 15 का ऐड करना है यानी 44, फिर 16 और फिर 17 यानी ये वैल्यू ऐड करनी है। तो 19 + 44 63 हो गए, 63 + 31 यानी 94, और 94 + 43 यानी 137, यानी 137 आपकी कंपनी ए का आ गया। बाकी रेशियो आपको पता लग गया ऑप्शन ए में 137 है, तो और 137 कोई भी वैल्यू से इजीली डिवाइड नहीं होता, बाकी टिक कर सकते हो, बट हमें हमारे पास नन ऑफ दीज है इसलिए हमें पूरा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। कंपनी डी की बात करते हैं, डी में 12, 14, 16 और 17 का पता है, तो कंपनी डी में 2012 में 31 है और फिर किसका बताना, 14 में 35, 25 है, 16 और 17 में, 16 में आपका 28 और 17 में 17 है। तो अब ऐड कर दीजिए इनको, ठीक है, 31 + 25, 31 + 25 होते हैं 56, 56 + 28 कितना होता है आपका 84, 84 + 17 बन गया आपके 101। तो यहाँ पे आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ एडिशन की स्पीड अच्छी रखो, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ओवरऑल बात है कि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखो, आराम से डीआई बना लोगे प्रीलिम्स में। और हर वीडियो में यही चीजें रिपीट करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, कर लोगे टाइम लगेगा,
45 मिनट है, 80 क्वेश्चंस है जिसमें रीजनिंग भी है, 40 क्वेश्चंस 40 क्वांट भी है। अगर क्वांट में एटलीस्ट उन 40 क्वेश्चंस को आप 22-25 मिनट्स में बना लेते हो, अगर आपका स्ट्रोंग पोर्शन है तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो आप इजिली कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो प्रीलिम्स में अगर आपकी रीजनिंग कितनी भी स्ट्रोंग हो, प्रीलिम्स में जो टाइम है ना वो कम है, और उसमें अगर आप 40 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि आरआरबी सबसे इजीएस्ट पेपर रहता है एसबीआई के कंपैरिजन में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। 9th में क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज इन द ईयर 2014 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द गिवन कंपनीज इन द ईयर 2017। यानी क्या कह रहा है कि 2014 में जितनी भी आपकी कंपनीज है सभी के जो एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल है मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होंगे आपके एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल्स जो मैन्युफैक्चर्ड कंट्री है कंपनी सभी 2017 में। तो यानी 2014 का जितने भी नंबर ऑफ टोटल सम है का सभी कंपनीज का उनकी एवरेज निकालो, तो 2014 की बात करते हैं, यानी 36 + 24 कितना हो गया 60 60 + 18 यानी 78 78 + 25 यानी 103। तो 103 आ गया आपका टोटल सम 2014 में, तो इसके एवरेज निकालनी है, यानी कितने कंपनीज है, चार है तो चार से डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो एक बार इसको रख लो साइड में। अब 2017 की बारी है, 17 में 43 + 37 तो कितने हो गए 43 + 37 यानी 80, 80 + 27 यानी 107, 107 + 17 यानी कि बन गए आपके 124, ये हो गया 124। तो इसकी परसेंटेज आपको इसके साथ कैलकुलेट करनी थी, तो 103/4 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 124, जो नीचे वाला चार था ऊपर चला जाएगा, वो कट जाएंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि 70 के रेंज में भी है, 80 के में भी, 90 भी, 100 भी, 90 में भी दो ऑप्शंस हैं, तो इस वैल्यू को हमें कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। यानी 103 आगे दो जीरो लगा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 124 था, अब इसको पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है कि चार से कट रही है ना, नीचे से वाले को कट रहा है, 4 3 12 4 1 4 चार से काटिए, 4 2 8 कितना बचा 2, ठीक है, फिर किससे जाएगा 4 5 20 फिर ठीक है 4 7 28 और 4 5 20 यानी 25 75 बन जाएगा ऊपर। अब इसको 31 से डिवाइड कीजिए, इसको भी करने का एक तरीका है, देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे तीन है, तो यानी 3 8 24 यानी 8 से जाएगा, क्योंकि 8 1 8 8 3 24 यानी 248 बन जाएगा, तो इसको मैं किससे करूंगा 31 को, जो आपका 25 75 ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब 8 से हो जाएगा, 8 में रेंज देख रहे हो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बट अगर इतना कर लिया तो थोड़ा सा और कर लीजिए ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए, तो 31 8 कितना होता है 8 1 8 8 3 24 यानी 248, तो 257 में से 248 गए 9 यानी 95, तो यानी 33 30 के आसपास आएगा क्योंकि वो होता आपका 93, तो यानी 3% आपका राइट आंसर रहेगा। जितनी ज्यादा हो उसके माइंड कैलकुलेशन कीजिए, आप उतना ही ज्यादा स्कोर कर पाओगे क्वांट सेक्शन में, स्पेशली प्रीलिम्स में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10th है आपके लिए, होमवर्क है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है sandeep@ivpsguide.com, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।